उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में मां विरासिनी सेवा समिति विगत दो वर्षों से अनेकों प्रकार से सेवा समिति के माध्यम से बीरसिंहपुर पाली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। विरासिनी सेवा समिति के द्वारा ब्लड डोनेशन कार्य से लेकर किसी के सुख दुख में भी सहभागिता निभाने का कार्य लगन और कड़ी मेहनत के साथ किया जा रहा है। समिति द्वारा विगत दो वर्षों से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक भंडारे से लेकर दूर दराज से आए सभी अतिथियों की सेवा की जाती है, जिसमें समिति के द्वारा चल समारोह में झांकियां भी निकाली जाती हैं। शारदीय नवरात्रि में जितने भी प्रतिभागी देवपात्र बने हुए थे, समिति ने सभी प्रतिभागियों को मंच से उपहार देकर सम्मानित किया। शिक्षकों और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से पाली SDOP शिवचरण पोहित, नगर निरीक्षक मदनलाल मरावी, समाजसेवी धीरू शर्मा, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल सहित नगर के समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, पुलिस स्टाफ और नगरवासी मौजूद रहे। विरासिनी सेवा समिति जो विगत दो वर्षों से लगातार समाज सेवा में लगी हुई है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के, नगर के और बाहर से आए हुए जितने भी अपने दर्शनार्थी माता बहनें आती हैं, उनकी सेवा विगत दो वर्षों से लगातार हमारी विरासिनी सेवा समिति कर रही है। इनके जो सेवाधारी हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, इस बार जो दशहरे का कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे सेवाधारी विद्यालयों में जाकर और भैया बहनों को, विद्यालयों के प्राचार्यों को उत्साहवर्धन किए और उनके माध्यम से एक विशाल जुलूस राष्ट्रभक्ति से लेकर और देशभक्ति से लेकर विभिन्न झांकियां, विभिन्न नौ देवियों के रूप, ऐसे विभिन्न झांकियों के माध्यम से और पूरे नगर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए विरासिनी सेवा समिति अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यहाँ के सेवाधारी होते हैं, 9 दिन जो माता के दिन चलते हैं उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपका भंडारे का कार्यक्रम चलता रहता है, जहाँ पे हमारे सिंधी समाज से आई हुई विरासिनी महिला मंडल की जो सेवाधारी कार्यकर्ता बहनें हैं ये सुबह से लेकर शाम तक और सेवा में लगी रहती हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं विरासिनी सेवा समिति और हमारे नगर के लोगों को उत्साहवर्धित करती रहती है, जिससे कि हमारा यह वृहद कार्यक्रम चलता रहे और विगत नौ दिन पूरा लगातार चलता रहता है, सुबह से शाम तक चलता रहता है, जिसमें पूरे नगर का सहयोग रहता है, बाहर से लोगों का, आए हुए श्रद्धालुओं का सहयोग रहता है, जिसके कारण हमारा यह कार्यक्रम सफल सुचारू रूप से आगे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।